वेलकम टू द सेशन ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आज हमारा अपेरेंटली थर्ड लेक्चर है और इसमें पिछले जो हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, मैं थोड़ा सा उसका रिकैप करना चाहता हूँ। अब आज जो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ ताकि मेमोरीज फ्रेश हो जाएँ। सबसे पहले देखिए, बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज, व्हाई बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट टू अस। द रीज़न इज बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बॉडी लैंग्वेज की इम्प्लीकेशन हर फील्ड ऑफ लाइफ में होती है। जहाँ जहाँ भी हम मौजूद होते हैं वहाँ वहाँ बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से जो साइंटिस्ट हैं उनकी ये बिलीफ है कि 60-80% ऑफ आवर कम्युनिकेशन वो थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज होती है। और जब हम मोस्टली कोई बात कर रहे होते हैं, मैसेज किसी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारी जो मैसेज है उसको अक्रॉस जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी स्पीच के साथ सिंक्रोनाइज ना हो तो मैसेज कन्वे नहीं होता, और अगर बॉडी लैंग्वेज और आपका मैसेज सिंक्रोनाइज हो तो 5% मोर इम्पैक्ट होता है, 5 times मोर इम्पैक्ट होता है आपकी मैसेज का जो आप अक्रॉस करना चाह रहे हैं। अब जहाँ तक रहा मैसेज जो है, आपको पता है कि हम सारा दिन कम्युनिकेशन में होते हैं किसी न किसी अंदाज में। आप फैमिली में हैं, सोशल इन्वायरमेंट में हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में, जहाँ कहीं भी हैं, आप एक मैसेज दे रहे होते हैं, जो सामने वाला जो वो आप सेंडर होते हैं, सामने वाला उसका रिसीवर होता है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। ऑन द बोथ एंड्स आपको बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, मैसेज सेंड करने के लिए भी और मैसेज रिसीव करने के लिए भी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेइंग इनसाइड। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि हर चीज़ में बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो सबसे पहली बात इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली, मैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में तो बताया था कि बॉडी लैंग्वेज जो है बुनियादी तौर पे आपका डिस्प्ले ऑफ आपकी इमोशंस होते हैं। इमोशंस की जहाँ तक बात आई तो मैं आपको थोड़ा सा इमोशंस के बारे में बताता हूँ कि इमोशंस बेसिकली क्या होते हैं। इमोशंस बेसिकली इसके अगर डेफिनेशन में जाएँ तो इट्स एनर्जी इन मोशन। बेसिकली इज एनर्जी इन मोशन। तो एक एनर्जी है जो जनरेट होती है थ्रू योर ब्रेन, थ्रू योर सबकॉन्शियस सिस्टम, एंड देन उससे एक आपके अंदर एक एनर्जी आती है और वो एनर्जी बेसिकली आपके इमोशंस होते हैं। अब बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं वो आपके देखिए, जब भी ब्रेन से कोई पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो हैप्पी फीलिंग्स आपके इमोशंस में आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। इसकी ज़रूरी नहीं होती कि इसका ट्रिगर किसी आउटसाइड किसी बहुत अच्छी न्यूज़ से हो या किसी ऐसी चीज़ से हो जो आप करना चाह रहे हो। मसलन आपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले लिए, आप जो करना चाह रहे थे उसकी अच्छी न्यूज़ आ गई, व्हाटएवर। और इसी तरह से कभी कोई बैड न्यूज़ आ गई जो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। दोनों सूरतों में जब बैड न्यूज़ आती है तो एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आता है, जब आप गुड न्यूज़ होती है तो पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये आउटसाइड इसका ट्रिगर जरूरी नहीं कि हो, आप एक बैठे हुए आपके जहन में एक आइडिया आ गया, ऑल ऑफ अ सडन गुड आइडिया आ गया, तो उसके अंदर से भी एक एनर्जी आपके अंदर से रिलीज होती है और दैट ट्रिगर्स योर इमोशंस। और जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो जो ट्रू लैंग्वेज आपकी बॉडी डिस्प्ले करती है, आपके हैंड्स जेस्चर्स, वो चीज़ बेसिकली जो है वो बॉडी लैंग्वेज शक्ल में हमें नज़र आती है। तो अगर हम बॉडी लैंग्वेज को सही से रीड कर पाएँ तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपके वर्ड्स और आपके इमोशंस दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही सिंक्रोनाइज्ड वे में हैं, ताकि आप एक क्लियर कट मैसेज जो है वो ले सकें। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग उसको मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ भी नहीं करते और अच्छी तरीके से सामने वालों के मैसेजेस को रीड भी नहीं करते। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक और इसकी इम्प्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्रॉस आर्म जेस्चर जो है वो बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव जेस्चर है। जब बंदा डिफेंसिव मूड में होता है तो उसके आर्म्स क्रॉस होते हैं।
ये स्टडी करके कंडक्ट करके बताया गया कि एक क्लास में जिसमें बच्चों को क्रॉस आर्म जेस्चर से बिठाया गया और एक दूसरी क्लास में बच्चों को ओपन पाम जेस्चर से बिठाया गया, तो इसी जो रिजल्ट आए बेसिकली उसमें 70% बेटर परफॉर्म किया उन बच्चों ने जिनके पाम्स ओपन थे। तो बुनियादी तौर पे अगर आप किसी क्लास में हैं और जहाँ बच्चे हैं और अगर आपने पाम्स ओपन पाम जेस्चर रखेंगे तो उनकी जो रिसीविंग जो कंसेप्शन होगा फॉर द वॉट एवर दे आर लिसनिंग और हेयरिंग फ्रॉम द टीचर वो 70% मोर होगा कंपेयर टू द पीपल। अगर आप क्रॉस आर्म जेस्चर्स हैं, आपके जहन में कुछ ऐसे आइडियाज चल रहे हैं जो कि रिलेटेड टू योर स्टडीज नहीं है, रिलेटेड टू योर होम हो सकते हैं और किसी बिजनेस हो सकते हैं, अपने किसी मामला के तहत हो सकते हैं, तो आपका कंसेप्शन लेवल जो है ना डाउन हो जाएगा। तो ये अगर आप समझते हैं इस चीज़ को, तो आप अगर एक क्लास में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, तो यू कैन कीप योर ओपन पाम जेस्चर्स। सेकेंडली, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी लास्ट लेक्चर में और उसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी, आपकी रिकॉर्डिंग भी आप जाके देख लीजिएगा। तो उसमें ये था कि जो टीचर्स हैं या जो प्रेजेंटर्स हैं, अगर वो फ्रंट में जो पाम्स अप जेस्चर से अपनी तमाम प्रेजेंटेशन के दौरान पाम्स अप जेस्चर रखते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो लिसनर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो पाम डाउन जेस्चर रखते हैं, जो कि बेसिकली एक अथॉरिटेटिव जेस्चर है, इसमें ये होता है कि आप जाहिर है बींग ए टीचर तो आप अथॉरिटी होते हैं, लेकिन अगर आप पाम डाउन जेस्चर्स अपना रखते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और ड्यूरिंग क्लास, तो कंसेप्शन लेवल जो है वो गिर जाता है, काफी हद तक गिर जाता है। इसी तरह से पॉइंटिंग फिंगर जेस्चर भी एक बहुत सारे माशरों में इसको इंसल्टिंग जेस्चर समझा जाता है। तो अगर आप पॉइंटिंग फिंगर जेस्चर से अगर एक प्रेजेंटेशन देते हैं या किसका क्लास में टीच करते हैं, तो वो जेस्चर भी बेसिकली उससे फर्दर कंसेप्शन लेवल लोगों का आपकी जो आप जो कुछ भी आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो गिर जाता है। तो दैट इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट ऑल ऑफ अस इन आवर डेली लाइफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। जो आज हमारे तीन टॉपिक हैं उसमें बेसिकली मैं तीन टॉपिक पे आज बात करूंगा। एक तो ये है कि जो हमारे हैंड के जेस्चर्स हैं, कुछ हैंड के जेस्चर्स की डिटेल में बात करूंगा, उसके अलावा आर्म्स जेस्चर के ऊपर कुछ डिटेल में बात करूंगा, और थोड़ी सी स्माइल के बारे में बात करूंगा कि स्माइल क्या होती है। बेसिकली ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट ही है। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस थिंग, मैं पहले तो ये बता दूं कि हम लोग अभी बेसिकली हर जेस्चर को सेपरेटली इंडिविजुअली रीड कर रहे हैं। इसलिए रीड कर रहे हैं कि क्योंकि हर जेस्चर एक काइंड ऑफ एक कैरीज अ मीनिंग इन दैट, लाइक जस्ट लाइक सेंटेंस में एक वर्ड होता है तो उसके एक मीनिंग होते हैं, लेकिन एक वर्ड कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस जब तक वो एक पूरे सेंटेंस में ना आए। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि इसको हमेशा तीन चीज़ें देखनी होती है। एक तो तमाम जेस्चर्स को इसको कंबाइन करके स्टडी करना पड़ता है, सेकेंडली वो देखना पड़ता है ये जेस्चर जो क्रिएट हो रहे हैं इसकी एनवायरनमेंट क्या है, किस जगह ये बैठे हुए हैं, ओपन एयर है या मीटिंग है या मॉल है व्हाटएवर, या सोशल गैदरिंग है या बिजनेस गैदरिंग है, तो इसकी एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है। और थर्डली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि जो मैसेज वो वर्बली कन्वे कर रहे हैं या किसी और तरीके से जिस टॉपिक पे बात हो रही है, तो इसको विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर आप कंप्लीट मीनिंग उसकी निकाल सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टूडेज टॉपिक। आज हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि हम आर्म्स जेस्चर्स पे आते हैं। कैन आई एनीवन सी ऑल माय स्क्रीन विद क्लियरली, प्लीज राइट इन द चैट बिलो। ओके, थैंक यू। ओके, नाउ सी दैट आर्म्स जेस्चर में एक ही आर्म है कि पाम्स रबिंग ईच अदर। बेसिकली मोस्ट ऑफ अस दे नो दिस थिंग, वेरी वेरी कॉमन है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे ये शो करता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट या एक्सपेक्टेशन विद कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है, जो जो भी आप आइडिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज की तरफ आप जा रहे हैं वहां से आपको बेसिकली बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आप एक्साइटेड हैं अपने आइडिया के बारे में, या व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन इज एक्साइटिंग फॉर यू। तो रबिंग पाम जेस्चर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है लाइक एन एक्साइटमेंट, बेसिकली एन एक्साइटमेंट है ये। ओके,
उसके बाद हम एक नेक्स्ट टेक्सचर पे जाते हैं। ये देखिए, इसमें ये होता है कि हैंड्स क्लेंच विद ईच अदर। देखिए ये हैंड्स क्लेंच जो होता है डिफरेंट लेवल्स पे हो जाता है, जैसे कि मैं अभी ये अपराइट लेवल है इस वक्त, और ये टेबल पे भी जैसे आप बैठे हुए तो टेबल पे रखा जा सकता है, और इसको डाउनवर्ड्स जैसे कि इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, और इसको जब आप स्टैंडिंग पोजिशन में तो हो सकता है इन फ्रंट भी आपका जेस्चर होता है। बेसिकली हैंड क्लेंच जेस्चर इज अ नेगेटिव जेस्चर, और ये डिफेंसिव एटीट्यूड शो करता है। बुनियादी तौर पे डिफेंसिव एटीट्यूड से मुराद ये है कि अगर द गाय इज अ लिसनर और आप कुछ उसको बात कर रहे हैं और आइडिया दे रहे हैं, तो दैट शोज कि दैट के जो आप आइडिया दे रहे हैं ही इज नॉट एग्रीड विद दैट एंड ही इज होल्डिंग बैक हिज इमोशंस, वट एवर द इमोशंस ही इज होल्डिंग इट बैक। अब जितना टाइटर ये फिंगर क्रंच क्लिंच होती जाती है, उतनी ज्यादा समझिए कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ हिज इमोशंस आर देयर। तो अगर आप कुछ आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं और आप प्रेजेंटर हैं, तो आप ऐसा जेस्चर दे के समझ सकते हैं कि आपका आइडिया क्रॉस नहीं हो रहा, तो यू हैव टू चेंज योर व्हाट एवर द प्लान, और आपका प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है उसको चेंज करें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक छोटी सी चीज़ थी। ये चीज़ें ऐसे ही असल में कि ये चीज़ें याद करने की नहीं है या कुछ, ये सिंपली एक आप एक ये इस वाली क्लास को फन की तरह ले सकते हैं कि इसमें जो है ना कुछ कुछ चीज़ें जो ये हैं इनको आप देखें, और उसके बाद उसको जो है ना अपने एक माइंड में रखें उसको। फिर हम लोग जब फर्दर जब जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो हम इसको पूरी बॉडी लैंग्वेज को एक कंप्लीट सिनेरियो में कोशिश करेंगे एक एनालाइज करना, तो वहाँ ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ओके नाउ फिंगर क्लिंच का हमने पढ़ लिया। उसके बाद जनाब मैंने बताया कि तीन डिफरेंट पोजिशंस हो सकती हैं, कि ये पोजिशन भी हो सकती है और ये पोजिशन भी हो सकती है। नाउ वी गो टू द सेकेंड थिंग, लाइक दिस इज कॉल्ड स्टिपल फिंगर स्टिपल पोजिशन। दिस थिंग इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कॉन्फिडेंस। ये मोस्टली जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या ऐसी प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं जिसमें लोअर स्टाफ आपके साथ बैठा हो, तो इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली शो कर रहा होता है कॉन्फिडेंस जेस्चर। बोथ साइड, अगर आप मतलब प्रेजेंटर हैं तो भी इस तरह का जेस्चर बनाया जाता है, और अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और ये जेस्चर नजर आया आपको, तो इसका मतलब ये है कि द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग टू इज लाइक हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन यू। दैट्स लाइक अ पॉजिटिव जेस्चर, बट शोज अ कॉन्फिडेंस, किसके अंदर एक कॉन्फिडेंस शो होता है। तो इसको स्टिपल्स कहते हैं, इस तरह की फिंगर पोजिशन को स्टिपल कहते हैं, और ये जैसे कि पैरामिड बनाया हुआ अपने हाथों से, ये बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल शो कर रहा होता है। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ। इसका फनी नाम है कि इसको बेसिकली फेस प्लेटर कहते हैं। फेस प्लेटर कहते हैं बेसिकली, ये भी स्टिपल जेस्चर के एक फॉर्म है। इसमें ये होता है कि जब कोई भी आपकी इस तरह की जेस्चर में आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहा है या आपको सुन रहा है, किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे सोशल है या बिजनेस है, दैट मींस के ही इज 100% विद यू, ही इज विद यू एंड ही टोटली एग्रीज विद यू। ये जो जेस्चर है, ये बहुत यानी जो खास तौर पे अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में या बिजनेस एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं, दिस काइंड ऑफ जेस्चर इज बेसिकली अ पॉजिटिव जेस्चर फॉर यू। उसके अलावा फिर अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, क्रॉस आर्म जेस्चर। ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉस आर्म जेस्चर बेसिकली डिफेंसिव जेस्चर होता है। इसके अंदर आप इसके अंदर बेसिकली आप ये शो कर रहे होते हैं कि जो कोई भी बेसिकली इट्स अ नेगेटिव जेस्चर, अनलेस किसी एनवायरनमेंट में आप किसी सर्दी की जगह पर खड़े हुए हो, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स अ नेगेटिव जेस्चर। और ये कब आता है, जब आप किसी आइडिया के बारे में डिफेंसिव होते हैं, या उस आइडिया के बारे में आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, आपकी जो अप्रोच होती है नेगेटिव होती है। तो इस तरह से जो जेस्चर बनाया जाता है, क्रॉस आर्म जेस्चर्स, इसकी पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं। मैंने आपको पिछले उसमें बताए थे प्रेजेंटेशन में कि इसमें लोग इसको हाइड करने की भी कोशिश करते हैं अपने किसी वजह से, अगर जो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कोशिश करते हैं क्रॉस आर्म जेस्चर डायरेक्टली डिस्प्ले ना करें, ताकि उनकी ट्रू फीलिंग्स जो है ना नजर ना आए लोगों को। तो एनीवे,
दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मेट। अब इसमें मैं दूसरी चीज ये कि अगर ये एक और जेस्चर है, इसमें देखिए मोर टाइटली क्रॉस्ड आर्म्स हैं, इसमें हो सकता है फिस्ट भी बनी हुई हो, तो इसमें भी ये कि जितना ज्यादा ये टाइट हो जाएगा और जितनी ज्यादा फिस्ट इसमें बन जाएंगी, तो दैट शोज के इतना ज्यादा जो है वो एग्रेशन या इतना ज्यादा उसके अंदर मौजूद है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग, आप लोगों को उसका क्या रिस्पॉन्स है? आप लोगों समझ आ रहा है सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? इज एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अबाउट दिस? ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली हैंड्स ऑन द बैक। ये बहुत कॉमन फीचर है, स्पेशली इंडो पार्क में बहुत ज्यादा यूज होता है इस तरह का जेस्चर कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। हमारे यहाँ इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा इसकी यूजेज होती है। हैंड्स ऑन द बैक बेसिकली ये कॉन्फिडेंट लेवल शो करता है, जहाँ अपना पूरा चेस्ट और ये सब कुछ आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो दैट शोज अ कॉन्फिडेंस लेवल। इसमें ज्यादा अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका जेस्चर है, तो दैट शोज योर योर कॉन्फिडेंट गाय। तो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, मैं सारी पिक्चर्स आज ऐड नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि बड़े बड़े लीडर्स वगैरह सब इस तरह के जेस्चर्स डिस्प्ले करते हैं। तो बेसिकली वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिसमें वो लोग शो कर रहे होते हैं कि ओके। सादिया कैन यू दिस दिस पोज कैन बी अ रिलैक्सिंग वन, व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस वन हैंड्स ऑन द बैक। क्रॉस क्रॉस हैंड जेस्चर मैंने बताया ना कि ये चीजें जो है बेसिकली वेरी करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टैंडिंग इन समवेयर इन द कोल्ड प्लेस, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्रॉस आर्म्स कर लेते हैं ताकि सर्दी से महफूज रहें, या ओपन में आप खड़े हुए बस के इंतजार में वगैरह, तो दैट वेरीज। बट इन नॉर्मल सिचुएशंस एज पर द बॉडी लैंग्वेज थिंग, इट्स दैट इट इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव जेस्चर बेसिकली। उसका जो उसको नेगेटिवली काउंट किया जाता है। क्रॉस आर्म जेस्चर इज ऑलवेज अबाउट कि व्हेन समवन इज होल्डिंग बैक द आइडियाज, नॉट ट्रूली एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। दिस इज बेसिकली ये जो है क्रॉस आर्म जेस्टर्स में ऐसा होता है। इसी तरह होल्डिंग ऑन द बैक जो है, मैं आपको बता रहा था कि होल्डिंग ऑन द बैक जेस्टर भी बेसिकली ये कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहा होता है। लेकिन एक और होल्डिंग ऑन द बैक वाला जेस्टर है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। बेसिकली व्हेन यू आर होल्डिंग द हैंड विद योर रिस्ट और योर एल्बो और अबव, दिस काइंड ऑफ जेस्टर इज नॉट showing confidence at all. These are always as a termed as a negative gestures. ये negative gestures होते हैं। ये भी उस सूरत में होते हैं जब आप अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप ऑन योर बैक। बिकॉज देखिए सर्टन कंडीशंस में जब कोई भी डिस्कशन चल रहा हो, बाय एनी मीन्स मीटिंग्स हो रही हो, आपको पता है बिजनेस एनवायरमेंट में, स्कूल्स में, आपका आइडिया के अगेंस्ट ही बात हो सकती है। हाँ, ये जो है ना, अभी सादिया ने कहा जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया या हेजिटेंट हो सकता है। ओके, दैट्स अगेन द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हेजिटेंट, दिस इज आल्सो शोज यानी लाइक आप जो है वो बेसिकली हाइडिंग योर इमोशंस, लाइक कि व्हाट एवर योर इमोशंस यू आर ट्राइंग टू हाइड। तो इसलिए इसको हम लोग ज्यादा एक ओपन टर्म यूज कर लेते हैं कि हाइडिंग द इमोशन, क्या अगर कोई नेगेटिव इमोशंस आपके पास है, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू आर फीलिंग लो लो और यू आर लेस कॉन्फिडेंट इन सर्टेन एनवायरनमेंट, दैट आल्सो मींस कि दैट टाइम ये जो लेवल है, ये बुनियाद पर एक नेगेटिव जेस्चर ही समझा जाएगा। कि
कि जब आपने किसी वजह से जो है ना अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स गुड एक्चुअली, इंटरेक्टिव क्लास है बहुत ज़्यादा। तो ये असल में क्या होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स की जो एक तरह से पार्टिसिपेशन होती है, वो बेसिकली मेरे लिए जो है ना एक एनर्जी होती है, जिससे जो है ना मुझे अच्छा फील होता है कि लोग ये करें। तो इसलिए सादिया ने एक और बोला कि दिस इज अगर लाइक प्रटेंडिंग और प्रटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, दैट्स पॉसिबल, या दैट्स पॉसिबल इन सर्टेन एनवायरनमेंट, कि बेसिकली दे आर कुछ रीजंस हैं जिनको वो नहीं शो करना चाह रही, लेकिन एक है मरियम पूछ रही है, व्हाट इफ यू डू नॉट ओपन योर हैंड बट मेक अ फिस्ट। या मेकिंग फिस्ट स्पेशली ऑन द बैक ऑफ योर ऑन द बैक साइड, जैसे मैंने अभी शो किया हुआ है, तो देन अगेन दैट फिस्ट ऑल्सो शोज के इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा शिद्दत है आपके जज्बात में, जो भी आप अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ, होल्डिंग हैंड ऑन द बॉक्स। देखिए ये जो एक नॉर्मल जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज अ नॉर्मल पिक्चर दैट शोज अ कॉन्फिडेंस थिंग। लेकिन सेकेंडली व्हेन यू आर होल्डिंग द दिस थिंग ऑन द बैक, कि आप अपने रिस्ट के ऊपर जाके उसको पकड़ रहे हैं, तो उस सूरत में जो है ये फ्रस्ट्रेशन को शो करता है या हाइडिंग द इमोशंस को शो करता है, ठीक है ना। लेकिन व्हेन इट गोज अप फर्दर अप, जब आप एल्बो तक चले जाते हैं, एल्बो प्लस के ऊपर चले जाते हैं, दैट मीन्स के योर इंटेंसिटी ऑफ वॉट एवर यू आर फीलिंग नेगेटिवली, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज नेगेटिव फीलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू हाइड इट। तो दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स के द लिसनर, स्पेशली ये होता है जब मोस्टली लिसनर्स इस फॉर्म में होते हैं, उस सूरत में अगर वो इस तरह की अपना बॉडी जेस्चर बनाए, दैट मीन्स बेसिकली दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर इमोशंस एंड देयर इमोशंस आर वेरी इंटेंस। ये बेसिकली इस बॉडी लैंग्वेज का, ये बेसिकली इस जेस्चर का ये मीनिंग होता है। ओके, लेट्स मूव टू द, तो ये अभी हमने हैंड्स ऑन द बैक का बेसिकली हमने सारा जो देख लिए कि एक नॉर्मल लेवल है जिसमें कॉन्फिडेंस शो होता है, लेकिन व्हेन इट गोज अप लाइक दिस और इस तरह से होल्ड होल्ड आर्म करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि अपने हाइडिंग इमोशंस कितने के कार होते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ औक़ात कुछ बॉडी जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ मीनिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली यूजिंग में जब हम एक यूजेज में एक वर्ड यूज करते हैं मुख्तलिफ, तो एक वर्ड के कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग से बुनियादी तौर पे हमारा मकसद क्या होता है कि ड्रेसिंग में ये होता है कि नॉर्मली कि आपने कपड़े पहने, आप अच्छे कपड़े पहने, ये ड्रेसिंग इस सेंस में भी यूज़ होता है। सेकेंडली आप पता है कि ड्रेसिंग का लफ्ज़ जो है वो सैलेड के ऊपर जो चीज़ें हम डाल के खाते हैं वो भी ड्रेसिंग कहलाती हैं। और थर्डली व्हेन इट कम्स टू कोई वूंड हो जाए तो उसके ऊपर जो बैंडेज लगाई जाती है उसको भी ड्रेसिंग ही बोलते हैं। तो इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी बाज़ औक़ात उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट के हिसाब से कभी कभार चीज़ें वेरी करती हैं। वो हम आगे चल के इस चीज़ को फर्दर स्टडी करेंगे, अभी क्योंकि हम बेसिक यानी चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हमें बेसिक बेसिक बातें समझ में आए इसकी ना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देखिए इसमें जो बेसिक जेस्चर है, इसमें क्या होता है कि ये जो थम्स डिस्प्ले होते हैं, ये मुख्तलिफ अंदाज के थम्स डिस्प्ले हो सकते हैं। ये थम्स डिस्प्ले बेसिकली ये शो करता है कि जैसे आप यू आर टॉकिंग और यू आर डिस्प्लेइंग योर अथॉरिटी, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना लुक दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह थम्स डिस्प्ले करते हैं। और ये जैसे भी इस तरह की पोजीशंस होती हैं जहां आप अपने लोअर स्टाफ से बात कर रहे होते हैं या अपने रैंक से नीचे वाले लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो वहां ये इस तरह की आती है, थम्ब डिस्प्ले आते हैं। और ये जो है ना सर्टन पॉइंट्स में इसको मतलब यूज किया जाता है जस्ट टू शो योर मोर अथॉरिटी,
इन डिफरेंट टाइम्स, और उसको यूज भी किया जा सकता है और उसको जो है ना डिस्प्ले भी किया जा सकता है टू शो योर अथॉरिटी। तो थम्स बेसिकली इस तरह से आप फिंगर्स आपने रखा हुआ है, और ये और भी जगहों पे हो सकता है। तो फिंगर्स आपने हाइड की हुई, सिर्फ ओनली डिस्प्लेइंग थम, दैट शोज योर अथॉरिटी। वैसे आप नॉर्मल हालात में जो थम्स अप थम्स डाउन, तो हम आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, पता है कि थम्स अप मीन्स गुड, थम्स डाउन मीन्स नॉट लाइक इट, तो वो तो हमारे बहुत अब कॉमन फीचर है। लेकिन ये जो फीचर है ये भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी मीनिंग खासतौर पर इसको अंदाज़ा नहीं होता। तो इसकी मीनिंग्स के लिए हमने जो है वो आपको बता दिया कि थम्स डाउन से होता है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस तरह के जेस्चर्स होते हैं ना, बेसिकली ये शो करने के लिए होते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट लुक दे सकें। तो मैं एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये बेसिकली एक मॉडलिंग वाली पिक्चर है। इसके अंदर जो है वो मॉडलिंग वाली पिक्चर है, इसमें बेसिकली ये मॉडल्स हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कि उनकी स्टैंडिंग पोजीशंस में जो है ना वो थम्स डिस्प्ले कराया गया है। ये थम्स डिस्प्ले बेसिकली इसलिए कराया गया है ये पिक्चर खींचते हुए खासतौर पे, ताकि उनको दिखाया जाए कि वॉट एवर ड्रेसिंग दे आर वेयरिंग, वॉट एवर देयर स्टाइल दे आर हैविंग, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो दे आर ट्राइंग टू डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, दैट्स वाई दे आर शोइंग दिस थम्स। तो इस तरह की हम लोग बहुत सारी देखते रहते हैं, आपको पता है पिक्चर्स आइडिया, तो हमें अब पता होना चाहिए कि भाई ये जो खास तौर पे पिक्चर में ये पोज बनाया गया है, ये जेस्चर बनाया गया है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये आज का हमारा सेकंड टॉपिक था कि जो हमने कहा था कि हैंड जेस्चर्स और आर्म जेस्चर्स हमने अभी तक आपको उसके अंदर करा दिए। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो थर्ड टॉपिक है उसकी तरफ। उसमें जो है बुनियादी तौर पर उसमें जो है बेसिकली स्माइल, स्माइल बेसिकली एक ऐसा वर्ड है कि हमेशा ये कहा जाता है स्माइल इज इन्फेक्शियस, कि स्माइल जो है अगर आप करें तो सामने वाला पलट के स्माइल बैक एट यू। तो ये बेसिकली बड़ी ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत बेसिकली जो स्माइल होता है वो कैसा जेस्चर होता है, दैट शोज के भाई आप जो है आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द पर्सन, नेक्स्ट पर्सन इज फ्रेंडली अप्रोच एंड यू आर नो हार्म टू द पर्सन। तो बेसिकली ये यानी स्माइल जब आप कर रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी अप्रोच फ्रेंडली है, यू वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद द गाय, ओके। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है स्माइल के बारे में कि ऑल द स्माइल्स आर नॉट सेम। और ये खास तौर पे जब भी आप किसी सोशल या बिजनेस एनवायरनमेंट में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ स्माइल्स ऐसी होती है जो कि नेचुरल स्माइल होती है, ठीक है ना, और कुछ स्माइल ऐसी होती है जो किसी पर्पस के तहत की जाती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होती हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, देयर टू पिक्चर्स, वन इज शोइंग अ जेन्युइन स्माइल, रियल जेन्युइन स्माइल, रियल डिस्प्ले ऑफ योर इमोशंस, और सेकेंड वन इज द फोर्स्ड स्माइल, कि दैट इज वो आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि इसमें जो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो रियल और नेचुरल स्माइल होती है ना, बुनियादी तौर पर यह होता है कि आप देखिए जो आंखें हैं उसके गिर्द एक रिंकल्स पड़ जाते हैं, एक रिंकल्स जैसे आ जाते हैं, क्योंकि आपका पूरी चीक्स लिफ्टअप होते हैं, एक रिंकल्स बन जाते हैं। तो ये नेचुरल स्माइल होती है, वेन आपका पूरा जो है माउथ ओपन होता है, देन रिंकल्स अराउंड योर आईज हो जाते हैं, दैट शो दैट इज बेसिकली अ जेन्युइन स्माइल। इस फोर्स्ड स्माइल में, और इसमें आप ये देखिए जो मेन चीज आपको नजर आ रही है वो ये आ रही है कि ओके, मे बी इफ यू कंपेयर द माउथ टू माउथ इज द सेम ऑलमोस्ट, बट देर आर नो रिंकल्स इन द आई। इसमें कोई आंखों के गेट को रिंकल नहीं आया, फेस पूरा लिफ्ट अप नहीं हुआ, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज अ फोर्स्ड स्माइल, दिस इज नॉट बेसिकली अ जेन्युइन स्माइल, दिस इज अ फोर्स्ड स्माइल। तो ये किसी सिचुएशन में करनी पड़ जाती है जहाँ आप एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन आप सोशल या बिजनेस एनवायरनमेंट में जहाँ होते हैं वहाँ आपको इस तरह की स्माइल देनी पड़ जाती है, लेकिन आप एग्री नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंटर हैं और आप देख रहे हैं ऐसी स्माइल आ रही है, तो दैट शोज के दैट वट एवर यू इज कन्विंग, शी इज ट्राइंग टू बी विद यू, और ही और शी विल बी ट्राइंग टू बी विद यू, लेकिन बट 100% डज नॉट एग्री विद यू। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ आई विल शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग। देखिए मैंने आपको जैसे बताया एक जेन्युइन स्माइल है तो रिंकल्स ऑफ द आईज आए होंगे। अच्छा उसमें एक एक नॉर्मली पोलाइट स्माइल है। इसमें पोलाइट स्माइल में एनली क्या होता है कि जब आप सिंपली ना यू अग्री ना यू डिसएग्री विद द गाय बट ओनली जस्ट पोलाइट सी स्माइल है, लेकिन इट्स नॉट जेन्युइन क्योंकि ओनली आपका माउथ स्माइल कर रहा है, आईज वगैरह उसके साथ वो नहीं कर रही। इसी में जो है ना अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसी स्माइल्स होती हैं जो हम किसी अपनी किसी एम्बेरसमेंट को या किसी प्रॉब्लम जो गलती हमसे हो गई उसको छुपाने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस स्माइल सबसे पहले तो आपकी आईज अवे फ्रॉम द मेन जो आपके सामने नहीं देख रही होती बल्कि अवे देख रही होती, और जो मेन यानी कि जो उसका एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए होती है। थर्डली जो एक स्माइल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेक स्माइल होती है। ये भी बहुत सारी जगहों पे ये स्माइल हमें देखने को मिलती है। आप लोग आप जाएंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई ऐसी चीजें होती है। फेक स्माइल में क्या होता है कि योर माउथ ओनली एंड लिप्स जो है ना एक साइड ऑफ योर चीक वन साइड ऑफ द चीक जो है ना वो सिर्फ स्ट्रेच होते हैं, दूसरा साइड जो है ना नॉर्मल अपना रहता है। दिस इज बेसिकली अ फेक स्माइल दैट शोज 100% डिसएग्री विद द गाय कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ आपको किसी बंदे को आपको टोटली डिसएग्री करना है कि मैं आपके पास 100% डिसएग्री हो, तो इस किस्म की स्माइल आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये लविंग और सिंक्रोनाइज स्माइल है ये तो खैर मेरे ख्याल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक जेन्युइन स्माइल जो होती है उस प्रॉपर स्माइल जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वाले में भी कि प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ द फेस होता है, रिंकल्स इन द आई अंडर द आईज होते हैं, ये बेसिकली जेन्युइन स्माइल होती है। बाकी जो होती है जिसमें कि आईज पे कोई रिंकल्स ना पड़े ये चीज़ें बड़ी काम की होती है। अब मैंने आपको बताया कि फेक स्माइल भी कभी करनी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेक स्माइल ही देखें आप, क्योंकि ये चीज़ कभी होता है कि किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे मैं जब भी काम कर रहा होता बिजनेस में तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये 100% डिसएग्रीएबल पोजीशन पे जब होता है कि लोग इससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे होते हैं आपकी किसी बात से, तो जस्ट टू इंस्टेड ऑफ सेइंग नो डायरेक्टली टू यू दे जस्ट स्माइल एट यू, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। ओके यहाँ तक आज मैं सोचा था कि जो टॉपिक है मेरा उसको मैं करूँगा। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं और आप लोग कुछ करना चाहते हैं इस बारे में डिस्कशन तो मैं चलो बताता हूँ फिर आपके साथ। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट और एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी, आप माइक अपना ओपन करके पूछ सकते हैं। Or you can write in the chat box any questions you have.